गुरुग्राम की सबसे पुरानी कॉलोनियों में से एक पटेल नगर, जहां करीब 1 किलोमीटर तक लोगों के घरों के ऊपर से गुजर रही थी हाई वोल्टेज की तारें, आए दिन कोई ना कोई इनकी चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठता था। इस डर के माहौल में करीब 70 परिवारों को के लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। चौटाला सरकार, फिर हुड्डा सरकार और अब खट्टर सरकार से लगातार संघर्ष के बाद पटेल नगर से इस डर का अंत हो पाया है। समाजसेवी दीपचंद वर्ष 2005 से लगातार इस मुहिम को लेकर कभी चौटाला सरकार के दरवाजे पर गए तो कभी हुड्डा सरकार के दरवाजा खटखटाया और अब खट्टर सरकार की चौखट पर आहट की, जिसके बाद पटेल नगर के ऊपर छाए इस संकट के बादल को हटाया गया। समाज सेवी दीपचंद ने बताया कि करीब 20 साल से वे इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान काफी उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन वो इस संकट की घड़ी से घबराए नहीं। लगातार अपने पटेल नगर में हो रही मौतें उनके जहन में थी, उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, आए दिन कोई ना कोई मर रहा था। उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा और आखिर इस हाई वोल्टेज की तारों को सरकार को हटाना ही पड़ा। कॉलोनी वासियों ने इस सफलता पर समाज सेवी दीपचंद का सम्मान भी किया और लड्डू भी बांटे। ऐसा हम 2005 में मैं प्रेसिडेंट बना था पटेल नगर सुधार मंडल का, तो 2005 में हमने दो ही बीमे उठाए थे, एक जाड़साबंद के साथ सड़क बनवाने का यहाँ से एक्रोचमेंट हटा के, दूसरा ये 66 KV की लाइनें हटवाने के लिए। हमने 2005 में ही इन पर काम शुरू कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट से तो हम ये केस जीते थे जाड़साबंद के साथ जो एक्रोचमेंट थी इसका, मकान दो तीन बार मकान तोड़वाए, तार फेसिंग करवाई, उसके बाद चलता रहा। फिर ये अब नई गवर्नमेंट आई तो इसमें फिर हमने अप्लाई की, उसमें खट्टर साहब भी थे और वो अपने ओम प्रकाश धनखड़ भी थे, रामविलास शर्मा थे और राव रणवीर थे, तो हमने भी अपनी एक्रोचमेंट की बात करी तो वो बोले कोई प्रूफ है, मैंने ले जाके फाइल दी, उन्होंने काम शुरू करवा दिया और हमारी ये सड़क बन गई। तो 16 साल में तो इस सड़क पर कामयाबी मिली हमें और 18 साल हो गए इस बिजली के केस को चलते। पहले CM श्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उनके राज में कुछ नहीं हो पाया। फिर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए CM, तो उनके राज में 11,000 की 3 लाइनों को उन्होंने उतरवाया। उसके बाद फिर मनोहर लाल जी आए CM यहाँ, तो हमने मनोहर लाल जी से गुहार लगानी शुरू करी, तो मनोहर लाल जी ने हमें 9,83,00,000 रुपये दे के हमारी 1 लाइन 66 KV की तो उतरवा दी 4,10,00,000 में, और 2 लाइन 33 KV की रह रही हैं, वो महीने में 2 महीने में उतर जाएंगी, उसके भी 5,73,00,000 रुपये उन्होंने जमा करा दिए हैं और उसका काम चालू है, टेंडर पास होने के लिए भेज रखा है। तो इससे करीब कितना एरिया इससे प्रभावित था और इसमें कोई जनमाल की भी हानि हुई है? इसमें 70 के करीब तो लोगों की मौत हो गई और काफ़ी लोगों के घर के TV हैं, फ्रिज हैं, इंस्ट्रूमेंट फूक गए, काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का इससे। कितना एरिया इसके प्रभावित में था? इसके प्रभावित में बंद थ्रेड पटेल नगर आता था तीनों लाइनों के नीचे, और सारी लाइनों के नीचे लगाया तो आधा था पटेल नगर आता है। करीब 20 वर्षों का आपका संघर्ष रहा, इस बीच में आपको कभी ऐसा लगा निराश हुए आप इस बीच में? हाँ, निराश भी काफ़ी हुए और ये भी होता था कि आइंदा नहीं जाएंगे, कोई सुनने समझने वाला तो है नहीं। उसके बाद हम नीति आयोग में गए, नीति आयोग से आने के बाद फिर हम और दूसरे आयोगों में गए, दिल्ली भी गए, चंडीगढ़ गए, पंचकूला गए, हिसार गए, जब जाके थोड़ा आगे आगे बढ़े तो कुछ कामयाबी मिलती दिखी तो फिर दम लिया दोबारा से, फिर शुरू हो गए। बीच में क्या होता है कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था, तो 1.5 साल के करीब मैं बेड रेस्ट पर रहा। बेड रेस्ट से उठने के बाद काम शुरू किया तो फिर कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना में निकल गए। ऐसे करके 18 साल में जाके ये कामयाबी हमारे हाथ लगी है और हम इससे हरियाणा सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के मंत्री जैसे CM साहब, राव नरवीर चौधरी, रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री, ओम प्रकाश धनखड़, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारी मांग सुनी। सर, दिक्कत तो पूरे पटेल नगर को थी, बहुत पब्लिक जाने गई है यहाँ और पब्लिक के TV फ्रिज एक्सीडेंट के समय सबके फूक जाते थे, और ये हमारे प्रधान जी दीपचंद जी हैं,
इन्होंने ही सारी कार्रवाई करी है। 66 केवी की उतर गई है, हमारे घर के ऊपर 33 केवी की बची हुई है, उन्हें भी उतरवाने का प्रयास जारी है। इसमें किसी तरह की कोई दुर्घटना भी हुई है? इससे दुर्घटना जी बहुत मौतें हुई हैं, हमारे घर के ऊपर ही मौतें हुई हैं। करीब कितने लोग इसमें जी गिनती नहीं है, वैसे 60-70 का तो डाटा तैयार है, जिनके हमारे और जो इधर उधर हुए हैं आजू बाजू उनका हम कह नहीं सकते। 18 साल से 3 सरकारें रही इस बीच और किसी ने सुनवाई नहीं करी इसकी। अजय चक्कर काटते थे बिजली बोर्ड, कभी कहीं कभी वहाँ चले जाओ कभी वहाँ जाओ, मंत्रियों के पास भी गए, हर जगह प्रयास करे हैं, जब जाके हमारे प्रधान जीप चंद जी ने ये कार्य करवाया। सीरिया तो देखो जी, जो पहल करता है उसी को वैसे जाना चाहिए। सीरिया जो है उन्होंने अपने दीपचंद अंकल जी हैं प्रधान जी जो हैं उन्होंने स्टार्टिंग की, तो उन्हीं को ही सीरिया जाता है सारा। तो वैसे सीरिया सबका ही है, इसमें सबका योगदान है, ठीक है, अपने मंत्री जीओ का भी है, अपने प्रधानों का भी है और अपने जो मिल के जो साथ जाते हैं उन सभी लोगों का प्रयास बढ़िया से हुआ है, ठीक है। और बिजली बोर्ड ने भी जिसमें हमारी थोड़ी बहुत मदद करी है उतरवाने में, थोड़ा जल्दी समय करवाया है, ठीक है, तो सबको ही सीरिया जाता है। किस तरह की दिक्कतें थी पिछले जब से आइटम संतार यहाँ लगी? दिक्कत तो सभी को लोगों की थी, मकान नहीं बना सकते थे, ऊपर छत पे चढ़ नहीं सकते थे, कोई कपड़ा वगैरह नहीं सुखा सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते छत पे चढ़ने के बाद, पानी की टैंकी तक चेक नहीं कर पाते थे कोई पानी है या नहीं है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए भी कई मौतें ऐसी हो चुकी है, जो भाई कई दफ़ा पानी की टैंकी चेक करने गया था पानी है या नहीं है तो उसमें भी मौतें हो गई हैं। तो करीब कितनी जान माल की हानि हुई है इसमें? सर देखो, जान माल तो जो है काफ़ी हो चुकी हैं, उसका कोई हिसाब तो है नहीं, वैसे करीब करीब 55-60-70 के आसपास के करीब कोई जो है मौतें हो चुकी हैं और एक्सीडेंट भी कई हो चुके हैं जिसमें मतलब कि बच भी गए हैं लोग, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सभी लोग मर गए हैं तो कुछ बच भी गए हैं। तो ये संघर्ष के बाद आज ये संघर्ष आपका रंग लेके आया है, तो किस तरह की लोगों में खुशी है इसके लिए? खुशी तो देखो, ये जब ऐसी चीज़ थी जो बीमारी थी, एक जो कैंसर की बीमारी थी जो ठीक होने पे जो मतलब कि आदमी भाई कैंसर की बीमारी जब ठीक किसी को हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मतलब कि उस 70 मौतें, 20 साल का संघर्ष और 3 सरकारें हुई आनी जानी। लगातार 20 वर्ष के संघर्ष के बाद पटेल नगर यानी कि गुरुग्राम की सबसे पुरानी कॉलोनी जहां से हाई टेंशन तारें निकाली गई थी, जिससे करीब 1 किलोमीटर की रिहायशी कॉलोनियों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो समाजसेवी दीपचंद हैं उन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा और करीब 20 साल के इस संघर्ष के बाद और 70 लोगों की जाने जाने के बाद और 3 सरकारों से लगातार संघर्ष के बाद उन्हें ये सफलता मिली है और करीब 1 किलोमीटर में रहने वाले परिवारों को भी इस हाई टेंशन तार से छुटकारा मिला है। आपको बता दें, आप जो तस्वीरों में ये दृश्य देख रहे हैं ये हाई टेंशन का एक पोल लगा हुआ है, इस पे से अभी कुछ दिन पहले हाई टेंशन की तारें यहाँ से गुजर रही थी, इससे लगातार यहाँ हादसे हो रहे थे। करीब 70 लोगों की इसमें अब तक जान जा चुकी है, छोटे बड़े एक्सीडेंट तो लगातार होते ही रहते थे, लेकिन दीपचंद ने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा और करीब 20 वर्ष के संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिली और उनकी सफलता के साथ साथ करीब 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों के लिए भी यह खुशखबरी है कि अब से उनकी छत से निकलने वाली हाई टेंशन तार पूरी तरह से हटा दी जाएगी।